तो ये पटरी में से आगे पीछे बढ़ेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। ये इसके शूज भाई, ये देखे भाई, वाह यार, बहुत ही अच्छे रावण दिख रहे हैं यार, छोटे छोटे, वाह। इसकी मूंछों में भी पायरो वगैरह लगे हैं। हाँ हाँ। कलर स्मोकर से उसके शोल्डर है, शोल्डर से भी बम मारता है, सिर से भी बम निकलते हैं, मतलब आवाजें भी बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। इसकी आंखों में भी लाइट जलती है, इसके पेट में भी लाइट है। अच्छा। लाइट नीचे देखो, इसकी मूंछें तो हर बार अलग ही होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ हमारे इंदौर के सबसे फेमस दशहरा मैदान पे, आप देख सकते हैं। और आज वीडियो किस लिए बना रहे हैं आपको पता है? जी हाँ, कल है दशहरा, विजयादशमी, और आप सभी को सबसे पहले तो विजयादशमी की अग्रिम बधाई। हम लोग इंदौर के टॉप मोस्ट रावण देखने वाले हैं दोस्तों, जो काफ़ी फेमस है, और इसी श्रृंखला में सबसे बड़ा रावण जो कि हमारे दशहरा मैदान में बनता है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा रावण जो कि 111 फीट का होता है, हम लोग दशहरा मैदान में फिलहाल। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भव्य रावण, सारे अलग अलग जगह के इंदौर के हम लोग रावण देखेंगे और आपको बताएंगे, कंपैरिजन भी करेंगे कौन से रावण की क्या खासियत है, कौन से टाइम पे जलने वाला है दोस्तों रावण, क्या टाइमिंग होती है और वो क्या क्या खासियत है उस रावणों की, तो सारे कवर करेंगे इंदौर के जो जो प्रसिद्ध रावण हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये दशहरा मैदान का प्रसिद्ध रावण, और हमारे साथ एक और शख्स आए हैं जो हर साल आते हैं, हमारे अविराज। अविराज, तो रावण देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ मैं रावण। रावण इस बार का बहुत अच्छा बना है दशहरा मैदान का, हर बार उम्मीद से ज्यादा बना है इस बार उन्होंने, तो बहुत बड़ा भी है, 111 फीट का रावण है। इसके टाइमिंग्स भी आपको पापा बताएंगे। हमारे अभिराज को पसंद आया इस बार का रावण, हर साल की तरह इस बार हर बार अच्छा से अच्छा बन रहा है रावण, मतलब कोशिश ये की जा रही है कि काफी अच्छा और प्रगति कर ही रहा है हमारा दशहरा मैदान का रावण, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये देखें भाई, ये है रावण दशहरा मैदान का हमारा। तो दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7 बजे रावण दहन यहाँ पर हो जाएगा, तो कोशिश यही कीजिएगा यहाँ पे कि आप 6-6:30 बजे से पहले ही आ जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और आप भव्य आतिशबाजी देखना है तो पहले ही आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोशिश यही करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी आए और आराम से आपकी जगह व्यवस्थित हो जाए यहाँ पे, और आप बढ़िया से रावण दहन देख सकें। और यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे बच्चे लोग भी आए हैं और देख रहे हैं रावण को, निहार रहे हैं। क्यों भाई लोगों, कैसा रावण लगा ये बताएं आप? शानदार, इस बार दशहरा मैदान का काफी अच्छा रावण बना है ना? तो आप लोग भी यहीं पे देखने आए हैं जी? तो आएंगे दशहरा मैदान, रात को शाम को भी आएंगे आप देखने के लिए? तो क्या खासियत दिख रही है, कुछ बताएंगे? क्या लग रहा है रावण में? अच्छा तो दिख रहा है, पर कुछ क्या चीज है इसमें जो सबसे अच्छा है? हाइट ज्यादा है, तो दोस्तों को हाइट ज्यादा अच्छी लगी है। और कुछ खासियत? ये देखें, कोचिंग क्लासेस से ही आए हैं भाई लोग ये सब, है ना, और काफी खुश महसूस कर रहे हैं। आप बताएंगे सर कि क्या खासियत लग रही है इसमें? ये इंदौर का राजा महाराजाओं के टाइम से बड़ा प्रसिद्ध रावण दहन का दशहरा मैदान है। बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा रश रहता है, पब्लिक सबसे ज्यादा यही उपस्थित रहती है, पूरे इंदौर का सबसे बड़ा रावण और काफी पब्लिक होती है यहाँ पे, पब्लिक यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार दशहरा मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। बहुत बढ़िया, तो इस बार काफी रावण भी अच्छा है, आइए। हाइट भी ज्यादा है, हाइट भी अच्छा है। तो देखा दोस्तों, सब लोगों को इस बार रावण की हाइट भी अच्छी लगी और काफी शानदार दिखने में भी, मतलब ग्रोथ पे ग्रोथ करे जा रहा है। तो आइए अपने टाइमिंग पे आइएगा यहाँ पे और आतिशबाजी और रावण दहन का कार्यक्रम देखिएगा। चलते हैं दूसरी लोकेशन पे और आपको बताते हैं भव्य रावण बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंदौर के। पहुंच गए हैं श्रमिक कॉलोनी राउ, मतलब सबसे शानदार वाला जो रावण बनता है आतिशबाजी के मामले में, हर चीज में ये वाला रावण। मैं खुद यहीं पे आता हूं और यहाँ की आतिशबाजी का क्या कहना, काफी
बेहतरीन वाला रावण होता है। अभी तो ये बन ही रहा है क्योंकि एक दिन और है, काफ़ी सारे काम इसमें बाकी है अंदर, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो काफ़ी बेहतरीन वाला दिखता है। और बिल्कुल ये युद्ध करता है, श्री राम जैसे जो युद्ध होता है ना, तो ये भी उनके साथ साथ युद्ध करता है। और जो आतिशबाजी है ये देखने योग्य होती है। ये है श्रमिक कॉलोनी दोस्तों राउ, ये देख सकते हैं आप। लोकेशन की बात करें तो ये सामने इधर ये ए बी रोड है, ये ए बी रोड से सीधा हम लोग राउ पहुँचेंगे आगे, और ये इधर आपको ये रावण दिख जाएगा। अच्छा, समय की बात कर लेते हैं दोस्तों इस रावण के, तो 8 बजे ये जल जाएगा। तो आप वही, मैं हर बार यही बोलता आ रहा हूँ कि आप कहीं पर भी रावण देखने जाएँ तो जल्दी आ जाएँ, आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी और व्यवस्थित जगह पर आप आराम से खड़े होके देख सकेंगे। तो आप जल्दी आइए जहाँ भी जाएंगे, तो 8 बजे ये जल जाएगा। और अभिराज आप बताएं कैसा क्या लग रहा है रावण? ये रावण बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा डेंजर बनाया, इसकी मूछे भी थोड़ी एकदम ऐसी बनाई है। ये बस 51 फीट का है, पर इसमें जो बम लाइटनिंग वगैरह बनाई है इसका मुंह, और इसमें आवाजें भी बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। इसकी आंखों में भी लाइट जलती है, इसके पेट पे भी लाइट है। अच्छा, लाइट है, जैसे जैसे जलने लगेगा वैसे वैसे इसके कंधे से रॉकेट भी निकलेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें और बहुत मजा आएगा इसको देखने में। आप भी आइए यहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ टाइम से आधे घंटे पहले आइए, क्योंकि यहाँ की जो आतिशबाजी है ना बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, हम भी हर साल यहीं पे देखने आते हैं, बहुत मजा आता है। मजा आता है ना, आतिशबाजी खास होती है लाइटिंग। तो दोस्तों आपने सुना, यहाँ की जो आतिशबाजी और यहाँ की जो लाइटिंग है ना, बहुत मतलब पेट में चक्र बनता है, पेटों से गोली या बम के वो छोड़ता है, और आगे जो उसके शोल्डर है शोल्डर से भी बम मारता है, सिर से भी बम निकलते हैं, मतलब काफी शानदार है। अभी ग्राउंड की स्थिति देखें, थोड़ा सा गीला हो रहा है लेकिन ये सूख जाएगा, आशा ही करते हैं कि पानी नहीं आए आज और कल में। तो एक और बात, इसे गले से भी लाइट निकलती है, लाइटनिंग सब मतलब अलग अलग चीजें हैं, मतलब अच्छे अच्छे बम निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 बजे ये दहन होगा, तो आप आ जाइएगा जल्दी। अब अगले और हम लोग रावण की ओर जाते हैं राउ में, राउ जो मुख्य शहर है वहाँ पे। तो ये श्रमिक कॉलोनी, आप लोकेशन एक बार और देख लें, ये लोकेशन इधर, ये ए बी रोड ही हमारा जो हम सिलिकॉन सिटी से आगे वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको रावण दिख जाएगा। तो हमारे साथ हमारे भैया आदर्श भैया और शांतनु भैया भी हैं, तो उनसे भी पूछेंगे अपन कि इस रावण की क्या खासियत है। बहुत सुना है और मैं भी खुद देखता हूँ, लेकिन ये और बताएंगे कि हर साल मॉडिफाई होता रहता है, तो क्या खासियत है हमारे भैया बताएंगे। देखिए, इस बार जो रावण बनाया है बिल्कुल पूरा वाटरप्रूफ रावण है। अच्छा, वाटरप्रूफ है बिल्कुल, क्योंकि बारिश को देखते हुए इसके पूरे कपड़े वाटरप्रूफ है, इसमें कोई भी पानी आने लग जाएगा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, गीला होगा भी तो 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा। सूख जाएगा। इस साल इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई। अच्छा, हाइट बड़ी हुई है। हाँ, जी, हाँ। पिछले साल 41 फीट का था, इस बार 51 फीट का रावण। ये 51 फीट दिख ही रहा है, काफी बड़ा टाइप दिख रहा है। ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा, शक्तियों का प्रदर्शन करेगा बिल्कुल। अभी में इसके अमृत कलश भी रखा गया है, जहाँ पे भगवान राम की सेना आके भगवान राम के द्वारा इसका मारा जाएगा। इसकी मूछों में भी पायरो वगैरह लगे हैं, कलर स्मोकर से, यहाँ पे गर्दन में भी कलर स्मोकर लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिख रहा है, इनके शोल्डर पे भी पूरा बहुत सारी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाला है, अपनी शक्तियाँ पूरी बताएगा। इसके जलने का समय रहेगा तकरीबन 8 से 8:15 के बीच में। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अगर कहीं दूर है या यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है तो आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। लाइव भी बार है, ये बहुत अच्छी बात है। ये किससे देख सकते हैं? अविरल भक्ति धारा चैनल पे आपको लाइव, ये बहुत अच्छी चीज बताई भैया ने, अविरल भक्ति चैनल पे आप सीधे यहाँ पर देख सकते हैं लाइव। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग भी आएंगे और खूब मजे करते हैं फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों आ गए हैं राउ शहर के बिल्कुल बीचों बीच, ये देख सकते हैं हमारा आगरा मुंबई रोड, देखें, और यहीं पे ये रावण दिख रहा है। विराज मजे आ रहे हैं इस रावण में? ये रावण तो बहुत अच्छा है, इस बार का पूरा यूनिक रावण है, पूरा वाटरप्रूफ रावण है इस बार, थोड़ा रावण का कलर भी अलग है। अच्छा, मतलब 51 फीट में भी इतना अच्छा रावण बनाए, इसे देखो मूछे, देखो इसकी मूछे तो हर बार अलग ही होती है। मूछे बिल्कुल भाई, ये मूछे और क्या लग रहा है यार, उस पे भी लाइटनिंग है बम आतिशबाजी होगी, मजा भी आएगा। इसकी टाइमिंग जो है वो 7 बजे है, 6:30 बजे आइए, मजे लीजिए, यहाँ पे आतिशबाजी का बहुत मजा आएगा आपको, यहाँ पे आतिशबाजी का बिल्कुल मजा आने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं शाम को 7 बजे प्रभु श्री राम इस रावण का दहन करने वाले हैं, और इसी रावण का दहन करने के बाद ही हम लोग ने जो आगे आपको बताया श्रमिक नगर कॉलोनी आगे, वहां पे श्री राम जी जाते हैं और 8 बजे वहां पे दहन होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार रावण, पूरा वाटरप्रूफ, और यहां भी आतिशबाजी काफ़ी शानदार होती है। आपको मालूम होना चाहिए राउ में जो भी रावण है
उनकी आतिशबाजी काफी शानदार होती है। और ये पूरी लोकेशन आपको पता ही फिर मैं बता दी है, ये आप देख सकते हैं, जगह पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ और काम करना बाकी है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही अलग वाला बना है। और कलर्स भी देख सकते हैं इसके, काफी शानदार है यार, एकदम डार्क कलर है। और दिख रहा है यार, चुनौती दे रहा है एकदम से कि भगवान श्री राम युद्ध करे मेरे से। देख एकदम बाहर आ रहे हैं, दांत देख सकते हैं, मूछे देखा, मूछे एकदम ताव दे रहा है मूछों पे भी, और एकदम खड़ा हुआ एकदम अड़ियल पने से बिल्कुल, आप देखें रावण को। और फ्रेंड्स चलते हैं अगली लोकेशन पे अगला रावण देखने के लिए, और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से रावण अच्छे लग रहे हैं। कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा और ऑडियंस को भी पता चलेगा कि कौन सा रावण सबसे अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये राहु का रावण था, चलते हैं अगले रावण की ओर, बने रहिए वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग दशहरा मैदान से थोड़ा आगे आए हैं, ये है अन्नपूर्णा रोड। अगर किसी को रावण परचेस करना है, खरीदना है, तो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ रास्ते में, बहुत सारे रावण दिखे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे रावण दिखेंगे आपको। ये पूरी लाइन में आप ये सामने इधर अन्नपूर्णा रोड से सीधे आगे दशहरा मैदान से आएंगे तो ये जगह महावर नगर है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता देता हूँ मैं। और काफ़ी बेहतरीन रावण दिख रहा है, ये भी एकदम अप टू डेट रावण दिख रहा है, नंबर लिखे हुए हैं। ये इधर देखें, ये दरगाह है, दरगाह के जस्ट पास में। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी है छोटे छोटे रावण और बच्चे भी, मजा आ रहे हैं, अच्छा रावण दिख रहा है, मजा आ रहे हैं, वाह। तो ये रावण है, आप यहाँ पर आए और परचेस करें, इधर देखे रावण ही रावण आपको दिख जाएंगे। क्या रेट में भैया रावण उन है? 100 रुपए से स्टार्ट है, और कहाँ तक के हैं? 6000 तक के हैं भैया, 100 रुपए से 6000 तक के रावण दिखेंगे आपको, देखें काफी अच्छा। और पास से आप बता दें आपको, ये देखे भाई, वाह यार बहुत ही अच्छे रावण दिख रहे हैं यार, छोटे छोटे, वाह। ये साइकिल से जा रहा है रावण खरीद लिया क्या? अभी खरीदा नहीं है, नहीं करा। ओ वाह, वाह। तो दोस्तों यहाँ से भी आप देखें रावण परचेस कर सकते हैं। आ चुके हैं हम लोग रामबाग के रावण में, देख सकते हैं यार 85 फीट ऊंचा रावण, देखें कितना ठोस और शानदार वाला रावण बनता है यहाँ पर रामबाग में। आप देखेंगे इसकी खासियत की बात करें तो रंग बदलता है, अपनी आंखों का रंग बदलेगा उस अनुसार ये युद्ध करने वाला है। दोस्तों आप देखें कितना बेहतरीन वाला रावण, एक अलग ही प्रकार का, बिल्कुल ठोस लगता है कि एकदम मजबूत रावण बना है यार अन्य रावणों की तुलना में। हालांकि राहु के रावण भी बड़े शानदार है, पर ये रावण भी कम नहीं आका जाएगा हमारे रामबाग का। टाइमिंग की बात करें तो लगभग 8:30 बजे जलेगा, तो वही आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी आएँ और भव्य आतिशबाजी का आनंद लें। अभिराज कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं अभिराज। एकदम असली इंसान जैसा लग रहा है, पर बहुत बड़ा लग रहा है, एकदम शैतानी, मतलब ऐसा एकदम डरावना टाइप में। अच्छा, एकदम बहुत इसे पावरफुल है, बहुत लड़ाई करेगा, फिर बहुत लड़ाई करेगा, मतलब है ना, मतलब हाथ में देखें आप, हाथ में तलवार और तीर लिए हुए, बिल्कुल ललकार रहा है यार ये तो, मिल दो अभिराज, ऐसा लग रहा है बिल्कुल से आओ लड़ाई करो, युद्ध करो। हाँ, और आतिशबाजी भी काफ़ी होती है यहाँ पर, और आप देखें ये ग्राउंड का नज़ारा भी देख सकते हैं, ये रामबाग का काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। अभिराज को मज़ा आ रहा है अभी, और ये देखें पानी आ गया था यार दोस्तों कल अष्टमी वाले दिन में, तो पूरा ग्राउंड सब जगह के आप गीले हैं, तो देखें ये करवा रहे हैं यहाँ पर सही। बाकी ये देखें आप रावण की स्थिति, बहुत ही शानदार यार, बिल्कुल संतुलित बना हुआ है रावण, काफ़ी दमदार रावण।
राम बाग रावण को बिल्कुल करीब से देखते हैं दोस्तों। तो ये इसके शूज, भाई ये शूज ही कम से कम 5-6 फीट का है। और ये देखें भाई, और पास से ये आता जा रहा है। तो बढ़ते हैं अब अपन रामबाग से चिमनबाग की ओर, वहाँ पे भी कम शानदार वाला रावण बनाया जाता है। अभी अपन ने देखा ये पूरा रामबाग का नज़ारा, काफ़ी शानदार रामबाग में रावण बनता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, आसपास यदि रहते हो तो इस रावण को भी आप देख सकते हैं। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं रामबाग से चिमनबाग की ओर। देखें दोस्तों, हमारे चिमनबाग मैदान का रावण काफी बेहतरीन। ये देखें भाई, पहुंच गए हैं रामबाग से चिमनबाग, बिल्कुल पास में ही है, एकदम पास पास में ही दोनों रावण जलते हैं। दोनों की हाइट भी लगभग सेम है, ये भी 80 से 85 फीट का रावण है और हाथ में गधा लिए खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जलने की टाइमिंग की बात करें तो 8 बजे इसका दहन किया जाएगा प्रभु श्री राम जी के द्वारा। और इसकी खासियत की आप बात करें तो एक अलग ही प्रकार का, देखें आप उसका जो चेहरा है, उसका जो तेज है, आप देखें एकदम अलग ही देख रहा है आपको, देखें। और हमारे विराज को पसंद आया कि नहीं ये आप उनसे ही जानते हैं। अभिराज बताएं, अभिराज कैसा क्या लग रहा है? अच्छा रावण लग रहा है अभी, बड़ा सा एकदम अच्छा 85 फीट का लग रहा है। हाँ। इसकी अभी थोड़ा वर्क पेंडिंग है, थोड़ा बड़ा देखो कितना विशाल, उसके आंखों में भी ट्यूबलाइट वगैरह, इसके बाकी मुंह देखो कैसे आड़े टेढ़े बने हुए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आड़े टेढ़े मुंह बने हुए, मतलब कुछ अलग प्रकार से देखें, हंस रहा है किधर से, अलग अलग जो इसके 10 मुंह हैं आप देखें, अलग अलग प्रकार से हंसता हुआ खड़ा हुआ है, हाथ में गधा लिए आप देखें। और ये है पूरा चिमनबाग मैदान का नज़ारा, काफ़ी बड़ा मैदान, यहाँ देखें यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है, आराम से आप भी आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखें काफ़ी बड़ा मैदान, ये देख सकते हैं दोस्तों। चिमनबाग का रावण भी हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे हम लोग छावनी के जो रावण है वहाँ पे भी जाएंगे, और भी जहाँ पे हम लोगों को रावण दिखता है तो आपको दृश्य बताते हैं। इसी बीच चिमनबाग में हमें कुछ बच्चे मिले हैं और कुछ बड़े भी, जो कि रावण प्रेमी है, रावण को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और काफी रावणों को, इंदौर के बहुत सारे रावण को देख के भी आए हैं, तो इनसे ही पूछते हैं, बात करते हैं। और कैसे आप लोग सभी लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। अभी अपने कहाँ कहाँ के रावण देखे हैं? अभी हम लोग छावनी के देख के आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी बहुत काफी अच्छा रावण बनाया है उन्होंने, छावनी का बिल्कुल मूवमेंट है उस रावण में। अच्छा, मतलब वो पुष्पक विमान में चल रहा है। हाँ हाँ, घोड़े लगे हैं और चल रहा है। चलो, और अभी हम बस रामबाग दशहरा मैदान सब जगह के रावण देखने, बिल्कुल हम लोग भी अभी आए हैं उधर से ही। और आप लोग बताइए इस रावण की क्या विशेषता है और कैसा लग रहा है आपको चिमनबाग का रावण? ये तो मैं बचपन से मेरे पापा के साथ देखते आ रहा हूँ, वो इसी स्कूल में पढ़ते थे। अरे तो बचपन से उनके साथ ये रावण रामबाग ये सब देखते आ रहा, तो उनके कारण मैं आज ये रावणों की आदत डली है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, और काफी अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी रावण है, बढ़िया काम करते हैं रावण पे। और हाँ। और करे, अच्छा आतिशबाजी भी अच्छी होती इधर। हाँ, अभी क्योंकि बन रही है। हाँ, इधर आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बढ़िया लंका का भी नजारा, काफी लंबी चौड़ी लंका बनेगी, अभी बन ही रहा है क्योंकि कल है दशहरा। तो ठीक है, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों से। तो हम लोग अब अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसा बताया कि छावनी के रावण काफी अच्छे, तो वहाँ का भी आपको पूरा नजारा बताते हैं दोस्तों। आ चुके हैं उषागंज छावनी में, यहाँ का आप नज़ारा देखें रावण का, भव्य रावण दिख रहा है और रथ पे सवार है, आप देखें ये है पुष्पक विमान हो सकता है या कुछ और रथ है ये, आप देखें बहुत ही गजब वाला रावण बनता है। और इसकी खासियत है दोस्तों, हर साल आगे पीछे भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये करता है, ये देख सकते हैं आप, जैसा यहाँ पे नीचे आप पूरा पटरी दिख रही होगी,
तो ये पटरी में से आगे पीछे बढ़ेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला है दोस्तों। ये है उषागंज छावनी में, जहाँ पे आप आ सकते हैं। रात 9 बजे रावण दोस्तों जलेगा। ऊंचाई की बात करें तो यार काफ़ी ऊंचा रावण दिख रहा है यहाँ पे, और आतिशबाजी भी भरपूर मात्रा में होती है यहाँ पे। आप देखें इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होती है ना, ये देखें भाई साहब भव्य रावण, बहुत ही शानदार। तो हमारे बीच में हमारे लव भैया हैं, और पूरे रावण की जो एक खासियत है, लव भैया क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि हर बार मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे भी आता हूँ और देखता हूँ, काफ़ी शानदार होता है, आगे पीछे होता है, अपने स्टंट बताता है और युद्ध करने के लिए एकदम तत्पर रहता है। ऐसा नहीं सिंपल खड़ा होके मतलब बस युद्ध हो गया। एकता सहयोग समिति द्वारा हर बार ना कुछ वैरायटी द्वारा इस रावण का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही हर पूर्व में जैसे सीता हरण करने वाला रावण, इंद्रजाल चलाने वाला रावण, तो इस बार हमने जो पुष्पक रथ पे सवार वाले रावण का निर्माण किया है, जो कि आपने अगर रामायण में देखा हो तो जिस पुष्पक रथ पे सीता जी का हरण किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल उसी रथ पे हमने इसकी थीम दी। इस बार थीम दी, बिल्कुल दिख ही रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप देखें आप, बिल्कुल तो बहुत ही बढ़िया। और कुछ आतिशबाजी तो बहुत ही शानदार होती है यहाँ पे। इस बार हमने भी छत पे हमारी जो छत है इसकी, हाँ हाँ हाँ, इस बार हमने इसको वो पोटास वाली पुणे से मंगाई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक आतिशबाजी। अरे हमारे क्षेत्रीय विधायक और पार्षद जी से चलवाएंगे। हाँ बिल्कुल, शुक्ला जी हमारे आएंगे और करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। और क्या फिट है ऐसे ऊंचाई इसकी? 51 फिट का है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जैसा भैया ने बताया है, आतिशबाजी भी भरपूर मात्रा में होती है और छत पे भी रखे गए हैं बम, स्पेशल मंगाए गए हैं, तो तैयार रहिएगा, यहाँ आइएगा, काफ़ी मज़ा आता है। मैं खुद भी आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 9 बजे चलता है तो यहाँ पे भी मैं आता हूँ और देखता हूँ। तो आप भी आइए और मज़े लीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पूरा रावण काफ़ी अच्छा है। और अभिराज को कैसा लगा? अभिराज आओ, रावण के सामने ही आते हैं, अभिराज से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा रावण के बारे में। रावण इस बार बहुत अच्छा बना है, इस बार पुष्पक रथ पे बैठा है, मतलब चलेगा भी आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा, राम भगवान को ललकारेगा। हाँ हाँ, अच्छा युद्ध होने वाला। इलेक्ट्रिक आतिशबाजी भी 51 फीट का ये रावण है, रात 9 बजे जलने वाला है। रात 9 बजे जलेगा, 8:30 बजे तक आ सकते हैं यहाँ पे, आतिशबाजी होंगी इलेक्ट्रिक। 8 बजे ही आ जाए, 8:30 मतलब काफी भीड़ हो जाती है, तो पहले आ जाए, जल्दी आ जाए, तो मजा आने वाला है, काफी अच्छा लगेगा। आप देखें बहुत ही प्यारा सा ये रावण, देखें कितना बढ़िया लग रहा है, क्या कर रहा है आप देखें। अभी तो पूरा नहीं हुआ यार, क्योंकि बारिश ने काफ़ी दिक्कत दे दी इस बार, क्योंकि कल ही बारिश आई पूरे रावण इंदौर के अलग अलग जगह पे खड़े थे। अब देखें यहाँ पे भी है, ग्राउंड का नज़ारा गीला हो गया है, लेकिन सुधारने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा ये नज़ारा है आपका उषागंज छावनी का। दोस्तों एक और लोकेशन RNT मार्ग छावनी पे ये बनता है रावण, जो सबसे आखिरी में बनता है। लेकिन देखें आप, ग्राउंड में इतना पानी हो गया है कि अभी रावण खड़ा भी नहीं हो पाया है, और कल है दशहरा। लेकिन काफ़ी शानदार आतिशबाजी यहाँ पे होती है, और हम भी इसमें भाग लेते हैं। रात को 10:30-11 बजे लगभग ये जलता है आराम से, सबसे लेट लतीफी रावण जलता है, आराम से अपना काम निपटा के आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन पूरा ग्राउंड भी पूरा पानी से भरा हुआ है, देखते हैं कल कैसी स्थिति रहेगी इसकी। पर अगर यहाँ आप आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं, सबसे आखिरी में यही रावण जलता, अभी तो खड़ा भी नहीं हुआ, तो देख सकते हैं आप।